कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आज हमारा लेक्चर नंबर है 7 और हम करने जा रहे हैं सम सॉल्विंग। हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व द फॉलोइंग के 4 सवाल लगा चुके थे, इसमें भी हम 4 सवाल लगाएंगे और आने वाले अगले 2 वीडियो में भी हम 4-4 सवाल करके पूरा चैप्टर को कर देंगे बंद और विदा दे देंगे। आपका ये काम है कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें और अच्छी तरीके से इसका नोट्स बना के आप अपने पास रखिए। सारी चीजें मैं सॉल्व करवा रहा हूं, जहां पे ले आगे आपको होमवर्क देना चाहिए वहां पे मैं होमवर्क दूंगा। जैसे मैंने सिग्निफिकेंट नंबर्स में आपको होमवर्क दिया है, फिर जैसे डायमेंशंस में मैंने आपको 1-2 होमवर्क दिया है, और फिर ये अभी एरर एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि एक बार आप ट्राई करना खुद से, वो जो सॉल्व मैंने बोर्ड पे सॉल्व करवाया था वो वाला। ठीक है, तो आइए आज सॉल्व करते हैं हम आगे के सवाल। और आज का हमारा है लेक्चर नंबर 7, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं। और क्या करने वाले थे आज? यस, क्वेश्चन नंबर 3 के सम नंबर 5 से चालू करने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व द फॉलोइंग का 5th वाला, पढ़ो क्या कहता है। न्यूक्लियर रेडियस r हैज अ डिपेंडेंस ऑन द मास नंबर a एज r इज इक्वल टू 1.3 × 10⁻³⁻⁶⁸ a 1/3 meter। ओके, अच्छा, फॉर अ न्यूक्लियस ऑफ द मास नंबर ए इज इक्वल टू 125 ऑब्टेन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्सप्रेस्ड इन मीटर। तो हमसे पूछा है कि ये कोई तो इक्वेशन दे रखी है, इसमें अगर मान लो ए यानी एटॉमिक मास अगर 125 हो गया, हमें ये बताना है अगर ये 125 हो गया तो बताओ आर का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा, यानी कि इसकी बात हो रही है पावर में। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ये पावर में जो बात हो रही है वो कितने आएगी और कौन से में फॉर्म करना है हमें, मीटर में। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या दिया है दूसरा, a इज इक्वल टू 125, इसको उठा के यहां पे रखो तो r इज इक्वल टू 1.3 × 10⁻⁙ 125 पावर 1/3, ये सब किस में चल रहा है, मीटर में चल रहा है। r इज इक्वल टू 1.3 × 10⁻⁙। अब जरा ध्यान दीजिए, और आपने अगर क्यूब रूट और स्क्वायर रूट पढ़ा है तो 125 क्यूब रूट होता है 5 का, मतलब 5 को 5 × 5 × 5 तीन बार मल्टीप्लाई करो, आपको 125 आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 5 की पावर 3 और उनकी ओवरऑल पावर कितनी है, 1/3। अब ये भी आपने बचपन में पढ़ा है कि अगर किसी की पावर, ए की पावर एक्स है और उसकी पावर वाई है, तो ये दोनों क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, यानी एक्स इंटू वाई हो जाते। देखो यहीं पे सेम वही चीज है। अच्छा, तो आर इज इक्वल टू 1.3 × 10⁻⁙ 16, यहां से क्या आ जाएगा, 5 की पावर, मैं बाहर ही लिख देता हूं, 3 × 1/3, ये ओवरऑल हो जाएगा। अब यहां पे आप देख सकते हो ये 3 और ये 3 कैंसल आउट, तो यहां पे आर की वैल्यू क्या आ गई, 1.3 × 10⁻⁶ × 5, अब कुछ नहीं है पावर में, मतलब 1 बचा, 5 को मल्टीप्लाई करो 1/3 से, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × 3 = 15 और 5 × 1 = 5 6 6.5 × 10⁻⁶। अगर ये आंसर आया तो भी चलेगा, बिकॉज ये भी किसमें है, मीटर में। अगर आप एक पॉइंट आगे शिफ्ट करते करते हो तो क्या आ जाएगा, 0.65 × 10⁻⁰ क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 10 से कर दिया, बहुत बढ़िया। ये भी किसमें आ गया, मीटर में। तो यहां पे हमें क्या पूछा गया था, हमें पूछा गया था कि बताओ ऑर्डर या पावर की ऑर्डर कितनी होगी, तो यहां पे आंसर क्या आएगा, −15। हमसे यही सवाल में पूछा गया था, देखिए सवाल पढ़िए लास्ट सेंटेंस, ऑब्टेन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्सप्रेस इन मीटर, यानी कि हमें सिर्फ ये पावर पूछी है, तो प्लस माइनस के साथ कितना आएगा, साइन के साथ लिखना है, तो कितना आएगा, −15। कुछ था इस सवाल में, देखो फुक्कट में हाई बना के रखी है इस सवाल की, कर लो कॉपी, कर लिया, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सारे लेक्चर्स देख के आओगे तो ये समझेगा, वरना आपको कतई पल लेनी पड़ेगा कि यहां पे हो क्या रहा है, ये क्यों ऐसे पुट किया, अच्छे से कर लो तब आ जाएगा, वरना आपको सिर्फ सोल्यूशन चाहिए तो भी आप देख सकते हो, मर्जी आपकी। ठीक है, आप अगर रट्टा मारने में आसान, मतलब आप माहिर हो तो देख लो सोल्यूशन, लिख लो और पूरा सम रट्टा मारो। अब ऐसे तो एक चैप्टर में 16 सम है, ऐसे आपके पास 16 चैप्टर है, मेरे को 16 × 16 नहीं आता,
कुछ तो होगा ज्यादा ज्यादा 200 या 300 के आसपास कुछ तो होगा, इतने से हम आपको रट्टा मानने, ऊपर से बीच में भी सवाल है सॉल्व एग्जाम्पल, तो आपकी मर्जी। अगर आपको समझ में आ रहा है वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, वरना एक बार लेक्चर देख के आओ तो ये पूरा एकदम मक्खन हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है, इन अ वर्कशॉप, कौन सा वाला अगला सवाल है, सिक्स्थ वाला। इन अ वर्कशॉप अ वर्कर मेजर्स द लेंथ ऑफ अ स्टील प्लेट विद अ वर्नियर कैलिपर हैविंग लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। अभी एक्चुअल में वर्नियर कैलिपर होता क्या, वर्नियर कैलिपर है ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी चीज का मेजर या लेंथ एक्यूरेटली हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे कि तुम अभी कॉलेज चालू होगा, आप 11th या 12th में जब जाओगे, 12th में रहेगा एक्सपेरिमेंट मोस्टली, तो वहां पर ना आपको ये एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा वर्नियर कैलिपर का। वो आपको एक इंस्ट्रूमेंट देंगे और आपको ऐसा रहता है, मतलब मान लो ये हाथ और यहाँ पे कैसा मूविंग आर्म रहता है और यहाँ पे एक फिक्स ऐसे रहती है, ऐसे मूविंग आर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मार्कर रखनी रहती है और ये मूविंग आर्म से आपको उसको मेजर करना रहता है, ये ऐसे 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 इसको मेजर करना रहता है, दिख रहा है आपको। अब ये मेजर करोगे तो आपको पता चलेगा, फिर इसको यहां से लेना है और आपको देखना है ये कितना है मेजरमेंट में, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ओके अगला सवाल। क्या कहता है, द लेंथ ऑफ वैल्यूज कितनी दे रखी है, 3.11, 3.13, 3.11 सेंटीमीटर, 3.13 सेंटीमीटर, 3.14 सेंटीमीटर एंड 3.14 सेंटीमीटर, ये इतनी लेंथ दे रखी है। अच्छा बोला क्या है, मीन लेंथ निकालो, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो, परसेंटेज एरर निकालो, इन ये तीन चीजें हमें फाइंड करने बोली है। आइए फटाफट निपटाते हैं। मीन कैसे आएगा, ए मीन सबको जोड़ो, सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज, 3.11 प्लस 3.13 प्लस 3.14 प्लस 3.14 डिवाइड बाय 4। इसको आप जब जोड़ा करोगे तो इसका आंसर कितना आता है, 12.52 अपॉन 4। अब इसको करेंगे तो 4 1 जा 4 3 जा 0.4 1 जा 1 3, तो आंसर कितना आ गया, 3.13, ये आ गया ए मीन। पहला पढ़ाओ पार, यूनिट यूनिट सेंटीमीटर, चलो बहुत बढ़िया। अब हम निकालते हैं एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, एब्सोल्यूट एरर चाहिए। वो कैसे आएगा, वो आएगा डेल्टा ए वन, क्या करते हैं हम, इसमें से उसको माइनस करते हैं, उसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 3.11 माइनस 3.13, ये दो बार का मतलब ये होता है मॉड, क्या होता है मतलब मॉड, मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर ब्रैकेट में ये मॉड के अंदर माइनस फाइव तो बाहर क्या हो जाता है प्लस फाइव, ठीक। वैसे यहां पे आपको माइनस का चिंता नहीं करना, तो डेल्टा ए वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हर एक नंबर को इस नंबर से माइनस करते जाना है, तो यहां पे आंसर कितना आएगा, 0.02। अच्छा फिर निकालो डेल्टा ए टू, 3.13 माइनस 3.13 दिख रहा है कितना होगा, जीरो। फिर डेल्टा ए थ्री निकालो, 3.14 माइनस 3.13 सबको पता है 0.01 आएगा, और डेल्टा ए फोर 3.14 माइनस 3.13 कितना आएगा, 0.01। ये आ गया आपको सबका मीन, हमें निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। अच्छा ये आपको आ गया सबका एब्सोल्यूट एरर, हमें निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.02 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.01। बच्चे हमेशा ये गलती करते हैं, वो इसको काउंट ही नहीं करते, बोलते जी रहे तो क्या करेंगे, तो भैया आंसर भी गलत आता है। चार क्वांटिटी है, उनका भी जो भी आंसर है उन सबको ऐड करना है और सम ऑल में करना है, यानी कि 1 2 3 4, वरना आप इसको काउंट नहीं करोगे तो आपकी क्वांटिटी कितनी आएगी, 3, जो कि हो जाएगा गलत, समझे। तो ये चार भी काउंट होगा, ऐड करो 2 3 4, तो 0.04 अपॉन 4 कितना आ गया, 0.01 सेंटीमीटर डेल्टा ए मीन। अब क्या निकालना है, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर कैसे आता है, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इनटू 100, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा ए मीन कितना दे रखा है आपने फाइंड किया है, 0.01 अपॉन ए मीन कितना है, 3.13 इनटू 100, तो क्या हो जाएगा ये, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 अपॉन
313। अब ये 100 कहां से आई, ये वाला 100 जो बचा ना यहाँ पे वो, इसको ऐसे सॉल्व करोगे इसका आंसर आपको 0.3194 आएगा। आप अप्रोक्सीमेट कितना ले सकते हैं, 0.32%। बस इतनी सी बात है, कर लो कॉपी फटाफट, कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ है इस सवाल में एकदम, बस आपको थोड़ा मैथ्स आना चाहिए, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन, बाकी एकदम हलवा है सारे सवाल, फटाफट हो जाते हैं, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। चलो आगे के सवाल करवाते हैं। हाँ, फाइंड द सेवेंथ वाला, फाइंड द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी हैविंग मास, मास दे रखा है 60 प्लस माइनस 0.3 ग्राम, अच्छा, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है 25 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप देखो यहां पे ध्यान से, हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये कहना चाहता हूं मैं कि यहां पे ना ये यूनिट्स जो है, ये यूनिट्स दे रखे आपको सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, तो आपको यूनिट कन्वर्जन करने की देरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बिकॉज सभी किसमें है, सीजीएस में है, तो आप डायरेक्ट निकालोगे तो भी आंसर आपको दिख जाएगा। अब आपको बस एक चीज ध्यान में रखनी है, और अभी के लिए सिर्फ ध्यान रखनी है, बिकॉज जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जुबान पे आ जाएगा, और आप ऑलरेडी 10वीं क्लास में पढ़ चुके हो मेरे ख्याल से, हाफ एम वी स्क्वायर, अरे क्या फॉर्मूला है ना, एकदम सिंपल लल्लू पल्लू। यहाँ पे के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, एम क्या है मास, वी क्या है वेलोसिटी, और ये टू क्या है वेलोसिटी का स्क्वायर। अच्छा बहुत बढ़िया, अब हाँ सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमें परसेंटेज एरर निकालना है काइनेटिक एनर्जी में, तो डेल्टा के ई अपॉन के ई परसेंटेज में कितना आ जाएगा। अब ये देखो हाफ का कुछ वैल्यू नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल का हम लेते हैं, तो डेल्टा एम अपॉन एम परसेंटेज प्लस, मैंने बोला था आपको मल्टीप्लाई डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो, एरर हमेशा ऐड होंगे, एरर हमेशा ऐड होंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में लेकिन एरर ऐड होंगे। और एक और चीज मैंने पढ़ाई थी एरर में, कि जो भी पावर होता है वो आगे आता है और डेल्टा वी अपॉन वी कर देने का, याद आ रहा है। बहुत बढ़िया, लेक्चर देख क्या हो तो बहुत बहुत सही तरीके रहेगा। अच्छा परसेंटेज में तो क्या हो जाएगा, यहां से डेल्टा एम यानी कि एरर कितना है 0.1, और ट्रू वैल्यू कितनी है, सॉरी मैं 0.1 गलत, हाँ यहाँ पे 0.3 आंसर वही आता, वो अलग बात है। मास कितना है 60 × 100, अच्छा प्लस 2, फिर क्या है 0.1 अपॉन 25 × 100, बस इसको सॉल्व करना है आंसर आ जाएगा। करें सॉल्व, चलो शुरू करते हैं। तो पहले एक यहां पे मल्टीप्लाई कर दो 3 upon 60 × 10 प्लस यहां पे क्या आ जाएगा 2 × इसको 0.1 ही रहने दो, तो देखो ये कैसा हो जाएगा 25 × 1 = 25 × 4 = तो 0.1 × 4 कितना हो जाएगा 0.4। अच्छा अच्छा यहां पे अब क्या आएगा, देखो 0 0 कैंसल, 3 × 1 = 3 × 2 = ये हाफ दिख रहा है, हाफ को हम ऐसा लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं ना आधे को, प्लस 2 × 2 = 8 लेकिन पॉइंट के पहले एक नंबर, तो ये आ गया। अब इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा 1.3%, ये आ गया आपको डेल्टा के ई अपॉन के ई। कुछ था इस सवाल में करने लायक, कुछ था, बस यही तो आपको फाइंड करना था परसेंटेज, और आ चुका है आंसर, इतना सिंपल है। करो नोट करो फटाफट, चलो आज का आखिरी सवाल। आठवां, क्या कह रहा है हमसे, आया ना समझ में, ना आया तो एक बार थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना, बाकी पूरा एकदम मैंने आपको विस्तार में ही पढ़ाया है, आप टेंशन मत लो उस बात का। अच्छा एक सेकंड, रिकॉर्डिंग ऑन है या फिर पढ़ा दिया ऐसे, लगा रिकॉर्डिंग बंद है। चलो क्या कहना चाह रहा है अगला सवाल, इन ओहम्स एक्सपेरिमेंट द वैल्यूज टू अननोन रेजिस्टेंस वर फाउंड टू बी
6.12 ओहम, 6.09 ओहम, 6.22 ओहम एंड 6.15 ओहम। ये ओहम का सिंबल होता है। ओहम क्या होता है, बिजली क्या होती है, आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सब क्या आप ऑलरेडी मेरे ख्याल से ओहम्स लॉ पढ़ चुके हो टेंथ में, राइट? तो इतना कुछ दिक्कत आना नहीं चाहिए। कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट एरर, नहीं पढ़े हो मैं पढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लो, रुको पहले ये सवाल खाली यहाँ पे निपटाना है। कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या क्या फाइंड करना उस पर डिपेंड, उसको सुनो ध्यान से, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के पहले एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। एब्सोल्यूट एरर तब आएगा जब हम मीन निकालेंगे। देखो कितना बड़ा प्रोसीजर है, अभी हम करेंगे तो आप समझ जाओगे। फिर निकालना है रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। चलो भैया शुरू करें। सबसे पहले ए मीन निकालते हैं, तो क्या होगा 6.12 प्लस 6.09 प्लस 6.22 प्लस 6.15 डिवाइड बाय 4। ऐड करो इन सबको, कितना आएगा आंसर 24.58 अपॉन 4। 4 वन जा 4, 6 जा पॉइंट, 4 वन जा यहाँ पे 1, वन ही आएगा ना, हाँ। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 18, कितना होता है ये 4 4 16 और कितना हो जाएगा 4 4 16 और फिर उसके बाद दो बचते हैं 05, 6.145 ये आ रहा है मीन। कितना आ रहा है 6.145, इतना ही आ रहा है ना, 5 1 कह रही हो क्या, हाँ ठीक है। तो ए मीन कितना हो गया 6.145। चलो बहुत बढ़िया, अब हमें निकालना है डेल्टा ए मीन, A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, ये सब क्या है एब्सोल्यूट एरर। तो क्या करना है, वन बाय वन इनमें से इसको माइनस करो, 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 ठीक है, बस इतनी चीजें करनी है। वो भी गलती हो रही है क्या, नहीं, चलो बहुत बढ़िया। 6 जा पॉइंट 1 जा तो 1 बचा कैरी 18, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 माइनस करो, तो देखो 6.14 अप्रोक्सीमेट 6.14 लेके करें कि 5 लेना है, अप्रोक्सीमेट लेके कर लो तो भी चलेगा। तो 6.12 कितना हो गया ये 0.02, हाँ तो पहले का आंसर आ गया 0.02, कितना है पहले का आंसर 0.02। दूसरे का क्या आएगा 14 में से 9 14 9 10 11 12 13 14, 5 तो 0.05। अगला 22 है 17 14 15 16 17 18 19 20 21 21, यानी कि कितना है 7 0.07। अगला वाला 15 है यानी 0.01। ये सब कैसे आया वैल्यू आपको मालूम पड़ा, देखो मैंने क्या किया 6.14 में से इन सबको माइनस करते गया, तो पहले मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो ये आंसर आया, फिर इसको इसमें से माइनस किया तो ये आंसर आया, इसको इसमें से माइनस किया तो ये आया, और इसको इसमें से किया तो ये आंसर आया, बस यही किया है, माइनस ही किया है। अब निकालना है ए डेल्टा ए मीन, तो कितना आएगा वो 0.02 प्लस 0.05 प्लस 0.07 प्लस 0.01 डिवाइड बाय 4। चलो बताओ यहां पे एडिशन कितना होगा, 12 13 14 15, 0.015 अपॉन 4, क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4 1 जा 0.0 और 15 आता कितना आता है 12 जाता है 3, फिर बचा कितना 3 0 7 2 बचा 0 5, तो आंसर कितना आया 0.0375। ये किसमें आया आपको, ये आया आपको ओहम में, इसको अप्रोक्सीमेट आप क्या लिख सकते हो, देखो 37 है तो हम इसको लिख सकते 0.04 ओहम, अप्रोक्सीमेशन से काम चला रहे हैं बस, ठीक है। आप इसमें रख के आओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो आपके टेक्स्ट बुक में ये स्टैंडर्ड मेथड में दिया है, इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेशन राउंड ऑफ करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। बहुत बढ़िया, आगे आइए, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कैसे बढ़ेंगे, तो ये सब तो हो गया, और क्या फाइंड करना था, मीन एब्सोल्यूट एरर आ चुका है, रिलेटिव एरर फाइंड करना है, तो रिलेटिव एरर क्या आएगा,
इसको इसमें से डिवाइड कर दो, तो डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन कितना आ जाएगा, 0.04 बटे 6.14, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 4/6.14। ठीक है, दिख रहा है इतना। अब इसको आप जब डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ आंसर बनेगा, तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेट आपको मिल जाएगा 0.006498 समथिंग। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन 0.0065 के बराबर। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से काम चला रहे। अब हमें क्या चाहिए दूसरा, दूसरा क्या चीज चाहिए हमें, हमें चाहिए परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे आएगा, इसमें परसेंटेज मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इनटू 100। क्या वैल्यू आई थी इसकी, 0.065 इनटू 100 कितना हो जाएगा, ये 0.65%। ये आ गए आपको सारी वैल्यूज, बहुत बढ़िया। तो यही, इसी के साथ हमारे आखिरी के मतलब बाकी के चार सवाल भी होते हैं खत्म। इतना कर लीजिए और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।